नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट कारनामा में। दोस्तों, आज सुबह सुबह खबर आई कि ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसे सिर में और पीठ पे चोट आई है। हम सभी ऋषभ पंत के लिए दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ सब्सक्राइब करें और कमेंट में ऋषभ पंत के लिए दुआ जरूर करें दोस्तों। फिर अभी जब सुबह उठे मैच देख रहे थे तो ट्विटर खोला तो वहां पे जनाब पंत के हवाले से खबर थी और वो मैंने फुटेज देखी है क्योंकि सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पे। बहुत तेज गाड़ी आई है और डिवाइडर पे लगी है और एकदम से आग पकड़ ली है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं कि वो ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं और हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। देखें, यहाँ पे मुझे वो रिजवान वाली बात याद आती है जो उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे कि 7-8 कंट्रीज में तो क्रिकेट होती है, विराट कोहली भी हमारे हैं, पुजारा भी हमारे हैं, स्मिथ विलियमसन ये सारे हमारे हैं, क्योंकि हमें प्यार है इस खेल से और ये खिलाड़ी ये खेल खेलते हैं और हम बहुत अपडेट रहते हैं इनसे कि क्या करते हैं, क्या है हॉबीज, क्या है सारे हवाले से, तो हमारा बड़ा इंटरेस्ट रहता है इन पे। तो ये भी हमारे हैं पंत, तो हमारी दुआ है कि भाई कि जल्दी से जल्दी सेहतयाब हों और शफायाब। और वैसे तो ये बड़ी अजीब सी मॉर्निंग है, रात को पहले फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मदर की डेथ हो गई, हमारी कंडोलेंसेस है। खतरनाक एक्सीडेंट, रिजवान हैदर इस बंदे के साथ लाखों नहीं करोड़ों नहीं बेपनाह लोगों की मोहब्बत है, वालदैन की तो दुआ है ही है, वरना इस तरह के एक्सीडेंट से इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो कमर की मैंने देखा है, उसकी बुरी हालत है, लेकिन जलने के कोई वो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जो डॉक्टर है जाने लेके गए हैं, बहरहाल सारों ने, बीसीसीआई ने भी रब्ता किया है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी रब्ता किया, टॉप ऑफ द लाइन उनको दी जा रही है ट्रीटमेंट और शुक्र है अभी तक उनको कोई जिसे कहते हैं ना फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, कोई खतरनाक वो नहीं है। बहुत दुआएं इस बंदे के साथ, ये चैंपियन था है और रहेगा, जैसे आपने कहा रिजवान का, शाहिन शेख अफरीदी ने कहा ब्रदर गेट वेल सून एंड यू आर अ चैंपियन यू विल बी बैक, शादाब खान ने, पाकिस्तान से बेपनाह लोगों ने, जारी बात दुनिया भर से आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अनकॉन्शियस होके ठीक है नींद की झपकी आ गई, इंसान है अकेले थे ड्राइव कर, रिजवान साहब जलती हुई गाड़ी उस हालत में भी दरवाजा शीशा तोड़ के बाहर आना, ये बहुत गट्स और बहुत करेज चाहिए। इज अ लॉयन, हमारी बेस्ट विशेस है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, जिंदगी दे। और ये देखें बेशक ये इंडिया का असासा है, लेकिन मैं भी यही कहूंगा कि ये दुनिया क्रिकेट में है ही कितने मुल्क हैं, ये तमाम का है ऋषभ पंत और इसके ऊपर ऊपर वाले की खसूसी, वरना इस तरह के एक्सीडेंट तोबा इस्तगफार बहुत मुश्किल है। जिस तरह इसने करेज दिखाई, He has a brave heart, a loyal heart, and जिस तरह वो बाहर आए हैं, हमारी दुआएं हैं, अल्लाह करे जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि टीम इंडिया और वर्ल्ड क्रिकेट को इनकी बड़ी शदीद जरूरत है। सेफ्टी बेल्ट, वो सीट बेल्ट ना लगाना, सेफ्टी हुई भी, we were just watching the visuals, horrific visuals. दिल्ली से जा रहे थे रूरकी और सुबह 5:30 बजे उनकी आग लग गई, यानी उनको नींद आई और वो जो रेल्स होती हैं हाईवे की उससे गाड़ी रगड़ी और गाड़ी में आग लग गई। लेकिन वही कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसकी जिंदगी होती है उसकी जिंदगी होती है, कुछ भी हो, बट लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर ऋषभ पंत, काफी इंजरी हुई है। अच्छी खबर ये है कि वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर ऋषभ पंत। यही वक्त होता है जब हम पूरी क्रिकेट कम्युनिटी, हम कहीं से भी ताल्लुक रखे, हमको एक साथ जोड़ना पड़ता है और उसके लिए आज मुझे बड़ी खुशी हुई जैसे शाहिन शाह अफरीदी और ये लोग सब ऋषभ के लिए दुआएं कर रहे हैं और जरूरी है क्योंकि हम क्रिकेट कम्युनिटी एक दूसरे के साथ वी आर हैंड इन हैंड विद दिस। ठीक है, हमारे मुल्कों में डिफरेंसेस होते हैं, हमारे पास पॉलिटिकल हालात होते हैं, लेकिन ये हैंड इन हैंड डिफरेंस, हैंड इन हैंड आपको आना पड़ता है ऐसे मूवमेंट्स के ऊपर। सो लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर ऋषभ पंत, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, वो एक अलग बात है, लेकिन जब इस तरह के मौके आते हैं लाइफ के अंदर तो आपको पता चलता है कि भैया जिंदगी कितनी प्यारी है, जिंदगी कितनी एक लम्हे की मार है, जिंदगी सिर्फ एक लम्हा इधर और एक लम्हा उधर और जिंदगी पूरी तब्दील और पलट जाती है। और ऋषभ पंत के लिए मेरे ख्याल से और क्या दुआएं करें हम, इतनी लोगों की प्यार और मोहब्बत उनके साथ है कि आज आप अगर ट्विटर खोल के देखेंगे, अगर आप इंडिया पाकिस्तान से, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट ऋषभ पंत।
मेरे ख्याल से ज्यादा सवेरा कोई प्यार और मोहब्बत हो दो एक प्लेयर के लिए हो नहीं सकती। और अली लिटरली ही लिटरली चेज्ड डेथ बिकॉज जिस तरह गाड़ी वो जल गई है पूरी और वो निकल गए टाइमली, दैट वाज मतलब ये मैं कहती हूँ लोगों की दुआएं हैं शायद उनके साथ। ये लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, घर वालों की दुआएं, फैंस की दुआएं, रिश्तेदारों की दुआएं, ये सब की दुआएं हैं जो कि आपको लगती है और ऋषभ को लगी। और वही कहते हैं ना कि सवेरा सीट बेल्ट, हमको हर दफा होता है सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट से चीजें मुझे होता है और आप नहीं लगाते। मैं नहीं लगाता, वो गाड़ी में बीप बीप हो रही होती है, तो वो देखिए सीट बेल्ट अगर आज लगी होती तो उनके लिए मुश्किलात हो जाती। अल्लाह बचाए। और मतलब कैसी वो, हमने वो फुटेज देखी कि वो राह चलते हुए लोग कह रहे हैं वो देखो बेचारा सुबह एक्सीडेंट हो गया तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई, वो देखो खिलाड़ी है ऋषभ पंत है, और ऋषभ पंत जिस तरह रोड पे खड़ा हुआ पूरा खूना खून बह रहा है उसके माथे से, मतलब हॉरिफिक विजुअल्स। मैं बड़ा ये भी सीसीटीवी फुटेज है वही हम देख रहे हैं कि वो रेल पे आके गाड़ी पूरी बकायदा रगड़ी गई है और उसके बाद गाड़ी ने आग पकड़ ली, और वही सही टाइम पे जिसको अल्लाह रखे उसको कौन रखे, जिंदगी है और जिंदगी ऐसी है भाई, यही है जिंदगी। सुबह उठते साथ ही ऐसी न्यूज देखने को मिली कि मैं तो पहले शॉक हो गया था, जब मैंने ऋषभ पंत की तस्वीरें देखी मैं तो डर गया, लेकिन उसके बाद जब मैंने डिटेल पढ़ी तो फिर मुझे जिसको कहते हैं ना रिलैक्सेशन हुई कि सब मामला बेहतर हो चुका है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत ही इसको कहते हैं सीरियस खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है ऋषभ पंत का। मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। सुबह 5:30 बजे का वक्त था जब ऋषभ पंत की गाड़ी रोड में जो डिवाइडर्स पड़े होते हैं उनके साथ टकराती है, अपनी फैमिली के पास जा रहे थे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऋषभ पंत श्रीलंका के खिलाफ जो स्क्वाड है उसमें सिलेक्ट नहीं हुए, तो उनका ये फ्री टाइम था, उसके बाद उन्होंने बैंगलोर में जाके प्रैक्टिस करनी थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, लेकिन फिलहाल वो जा रहे थे अपनी फैमिली के पास न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने। तो सुबह 5:30 बजे का टाइम था कि जब उनकी गाड़ी रोड के जो डिवाइडर्स होते हैं उनके साथ टकराती है, और जैसे ही टकराती है कुछ ही सेकंड के अंदर गाड़ी में आग लग जाती है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है, क्योंकि जो मैंने गाड़ी की हालत देखी मेरे उसको कहते हैं ना रोंटे खड़े हो गए थे, इतनी खतरनाक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है कि पूरी गाड़ी का बुरा हाल हो चुका हुआ था। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जिसको कहते हैं ना आप, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह का कि उन्होंने ऋषभ पंत को बचा दिया, क्योंकि जिस किस्म का उनका एक्सीडेंट हुआ था, जो गाड़ी की हालत देखने को मिल रही है, जो नजर आ रही है गाड़ी की कंडीशंस, उसको देखते हुए लगता है कि बहुत ही इसको कहते हैं ना सीरियस लेवल का हुआ है। लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखें तो फिर भी वो कहते हैं कि ऋषभ पंत बिल्कुल सही है, कोई ज्यादा जिसको कहते हैं फ्रैक्चर नहीं है, कोई जिसको कहते हैं बर्न्स नहीं हुए हुए बॉडी के ऊपर। जो सुबह 6 बजे उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, रोड की जो हॉस्पिटल है वहां पर उनको शिफ्ट किया गया, पहला उनका जिसको कहते हैं एक्सरे हो, जो भी मेरी प्रेयर्स, पूरे पाकिस्तान की प्रेयर्स, पूरी दुनिया की प्रेयर्स ऋषभ पंत के साथ है। गेट वेल सून यार, आप हीरो, आप जिसको कहते हैं फ्यूचर के इंडिया के कैप्टन हो, बड़े जबरदस्त किस्म के, रेड बॉल के भी व्हाइट बॉल के भी ऐसा मैं सोचता हूँ, एक बड़े जबरदस्त किस्म के आप कैप्टन भी बनेंगे और आप इंडिया को बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्रॉफीज भी जितवाएंगे, क्योंकि आप उस टाइप के प्लेयर्स हैं जो जीतने की तरफ जाता है। तो ऋषभ पंत के लिए सारी की सारी जिसको कहते हैं गुड विशेस मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ।